बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। जो तोहे कहे हक हुकम, सो तू देख महामत। और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहिदत, जो तेरे तन वाहिदत। हक मासूक का मुख सागर मंगलाचरण। हक इलम के जो आरिफ, मुख नूर जमाल खूबी चाहे। प्रणाम सुंदर साज। अक्षराती धामधनी श्री राज्य। श्री इंद्रावती जी के हृदय धाम में विराजमान होकर हम सभी ब्रह्मात्माओं के लिए, ब्रह्म सृष्टियों के लिए श्रृंगार के इस वाणी में हमारी आत्म जागृति के लिए उस मुखारविंद का वर्णन करवा रहे हैं जिस श्रृंगार के विषय में, जिस शोभा के विषय में अब तक ऐसा कोई नहीं है जिसने देखा हो या वर्णन किया हो। यदि सरल शब्दों में समझना हो तो हम जब सेवा पूजा करते हैं तो एक चौपाई शायद सबको याद है कि एक चौपाई तो हम सब बोलते ही हैं कि अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इश्क बरतत। इसी तरह से जब हम सुबह की सेवा पूजा करते हैं तब भी कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए आते हैं। तो एक बच्चा बच्चा भी जानता है कि हम कहते हैं सिर्फ एक तरफ कि गाल का भी दूर से दर्शन करके जाते हैं। सोचिए कि जिस अक्षर ब्रह्म को भी अक्षरातीत की पूर्ण शोभा का पता नहीं है, उनका वर्णन हम स्वप्निक अवस्था में कर रहे हैं, वाणी के आधार पर स्वप्निक अवस्था में ही कर रहे हैं। ज्ञान भले ही ये जागृत और निज बुद्धि का हो लेकिन हमारी अवस्था तो जागृत नहीं है, हम अपने निज स्वरूप में स्थित नहीं है। तो ये भी नहीं कह सकते कि हमारी निज बुद्धि खुल गई है। लेकिन ऐसी अवस्था में हमसे कौन से ज्ञान के द्वारा जागृत करने का हमें प्रयास किया जा रहा है। वाणी कहती है क्यों बरनू हक सूरत अब लो कही न किन, कि आज दिन तक उस मुखारविंद का, उस स्वरूप का वर्णन किसी ने भी नहीं किया था। और उसका वर्णन करते हुए महामती जी क्या कह रही हैं। इस प्रकरण के शुरू होने से पहले जो पिछले प्रकरण के अंतिम चौपाई है वह प्रत्येक सुंदर सात के लिए सिखापन है। वैसे तो संपूर्ण 18,758 चौपाई हमारे जीवन में उतारने के लिए ही है, लेकिन अभी जो प्रसंग चल रहा है उस संदर्भ में अगर मैं कहूँ चौपाई क्या कहती है कि जो तोहे कहे हक हुकम। ये जो वर्णन है वो कैसे हो रहा है, धामधनी के हुक्म से। प्रियतम अक्षरातीत का आवेश स्वरूप ही इंद्रावती जी के हृदय धाम में विराजमान होकर के कहलवा रहा है, उस स्वरूप का वर्णन करवा रहा है। अब स्वरूप का वर्णन तो वो कर ही रही हैं, लेकिन महामती जी अपनी अंतरात्मा के लिए भी कह रही हैं कि जो तोहे कहे हक हुकम सो तू देख महामत।
कि राज्य तेरे द्वारा जिस स्वरूप का वर्णन करवा रहे हैं तू उस स्वरूप को भी देख। मुझे याद है कि कल के ही प्रवचन में हमारी एक बहन ने कहा था कि रे रूह करे ना कछु अपनी कि तू उर्जी उम्मत माहे, उमर गई गुण सिफत में तोहे अजु इसका आया ना है। महामती जी अपने ऊपर लेकर के उस चौपाई में भी कह रही थी और आज इस चौपाई में भी कह रही हैं। वरना ऐसा नहीं है कि उन्होंने देखा नहीं है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने हृदय में बसाया नहीं। उनके हृदय में युगल स्वरूप विराजमान है, लेकिन चूंकि ये संसार ही ऐसा है कि इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, ये कड़वी सच्चाई है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके सारे के सारे विरोधी हों या सारे के सारे चाहने वाले हों। तो दुनिया सवाल तो करेगी, आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, दुनिया सवाल करेगी। तो कोई ये ना कहे कि महामती जी शिखापन तो दे रही हैं, शिखापन देना तो सरल है, क्या महामती जी ने ऐसा किया? तो उन्होंने अपने ऊपर अहम नहीं लिया, स्वयं के ऊपर ही लक्षित करके कहा कि जो तोहे कहे हक हुकम सो तू देख महामत। विशेष रूप से चर्चा सुनने वाले सुंदर साथ तो है ही, लेकिन ये तो हम सब सुंदर साथ के लिए जो हम दूसरों को प्रेरित करते रहते हैं ना, मुझे लगता है कि राज्य आज जानबूझ करके ऐसा प्रसंग बना रहे हैं ताकि हम सबको प्रेरणा मिले। सुबह से लगातार ऐसे ही प्रसंग अपने आप बनते ही आ रहे हैं। मैं सोच करके नहीं आया था कि किस प्रसंग में चर्चा करनी है, लेकिन जो प्रसंग निकला उसमें भी परिस्थिति ऐसी ही बन रही है कि हमें झकझोरा जा रहा है कि हम दूसरों को तो कह रहे हैं कि इस स्वरूप का दर्शन करना है, ऐसे चितवनी करनी है, ये करना है, वो करना है, ऐसे अपने आप को निर्विकार बनाना है, लेकिन जब महामती जी ने अपने ऊपर अहम नहीं लिया और स्वयं को कह रही हैं कि सो तू देख महामत, इसका मतलब है कि हम कहां पर हैं? उस मुखारविंद को देखने वालों की पंक्ति में हम कहां पर हैं? इसीलिए हम सभी सुंदर साथ के लिए ये पिछली चौपाई भी है और अब आगे भी प्रसंग वैसा ही है। क्या कहते हैं कि पूरी चौपाई एक बार मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे तो अपने आप ही समझ में आएगी, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता है। कहते हैं जो तोहे कहे हक हुकम सो तू देख महामत और कहो रूहन को। स्वयं देखना है और उसके बाद क्या करना है, दूसरी रूहों को, दूसरी ब्रह्मात्माओं को भी दिखाना है। अभी सनंद की जब चर्चा चल रही थी परसों, तब पूज्य स्वामी जी ने जिस प्रकरण में चर्चा की थी कि आप देखो औरों को दिखाओ, और ये प्रसंग ये प्रकरण प्रत्येक उस सुंदर साथ के लिए शिखापन है जो ये कहा करते हैं कि चितवनी नहीं करनी चाहिए। चितवनी करने से कोई कहता है तन छूट जाता है, और क्या कहा जाता है, शरीर नहीं टिक पाता है, और वाणी क्या कह रही है यहां पर कि सो तू देख महामत, उसे देखना है। और फिर जिस प्रकरण का मैंने जिक्र किया था क्यों बरनु हक सूरत, उस प्रकरण में एक बहुत ही प्यारी चौपाई है, महामती जी उसमें कहते हैं कि जो हक देखे टिक्या रहे सोई अर्श के तन। अर्श के तन का मतलब यहाँ परात्म के लिए नहीं कहा जा रहा, परात्म तो अर्श के तन है ही, लेकिन यहाँ जो परात्म परम धाम में विराजमान है उसकी सूरता आत्मा के लिए कहा गया कि सोई करे मूल मजकूर सोई करे वर्णन। क्योंकि परम धाम में तो वर्णन करने की आवश्यकता ही नहीं है, वर्णन करने की आवश्यकता यहाँ है आत्मा को, आत्मा की जागृति के लिए। इसलिए क्या कह रहे हैं, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहे दत्त। वह दत्त में परमधाम किस्क की वह दत्त में हमारे साथ साथ
बाकी जितनी भी ब्रह्म सृष्टियां हैं उनको वाहिदत का तन कहा गया है कि उन ब्रह्म सृष्टियों को कहना है, लेकिन कहने से पहले स्वयं देखना भी है। अब कुछ सुंदर सात के अंदर जो जिज्ञासा है या सुंदर सात के अंदर जो परेशानी है, उस परेशानी का भी मैं समाधान करने का प्रयास करता हूँ। कि बहुत से सुंदर सात को ऐसा लगता है कि क्या इसका मतलब हम फिर चर्चा प्रवचन करना छोड़ दें, प्रचार प्रसार करना छोड़ दें। छोड़ना समाधान नहीं है, करना क्या है कि आप कभी ये तो नहीं कह रहे हैं, आप ये गलत प्रचार तो नहीं कर रहे हैं कि मैंने परम धाम को देख लिया है, मैंने राज्य का दर्शन कर लिया, आप झूठ तो नहीं कह रहे हैं। आप प्रचार किस चीज का कर रहे हैं? वाणी का। सागर श्रृंगार में जिस अक्षरातीत की शोभा का वर्णन किया गया है उसका प्रचार कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप इस बात को सत्य साबित कर रहे हैं कि अक्षरातीत की छवि है, वह परमात्मा, एक लौकिक भाषा में कहूं तो वह परमात्मा निराकार नहीं है, निर्गुण नहीं है, वह शुद्ध साकार स्वरूप है और उसकी छवि ऐसी है, उसका मुखारविंद ऐसा है। और प्रमाण क्या है, किसने देखा? तो इंद्रावती जी ने, महामती जी ने। इस बात को आप समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो ये गलत नहीं है। नहीं तो यदि हम सब ये कहने लग जाएं कि जब तक हम राज्य का दीदार प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक हम उसको अपने हृदय में नहीं बसा लेते, तब तक हम चर्चा ही नहीं करेंगे, फिर तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए हमें करना क्या है कि स्वयं भी देखना है और दूसरों को भी दिखाना है। हाँ, इस बात के लिए आपके हृदय में ब्रह्मवाणी के प्रति दृढ़ विश्वास होना आवश्यक है। यदि आपको लग रहा है कि हम बिना दर्शन किए चर्चा करके गलत तो नहीं कर रहे, तो आपको फिर ब्रह्मवाणी पर शंका है। और यदि ब्रह्मवाणी पर शंका नहीं है, फिर ये निशंक वाणी, ये जो बेशक इल्म है, ये आप दूसरों तक पहुंचाइए। स्वयं भी इसके ऊपर दृढ़ विश्वास रखिए और दूसरों को भी इसके ऊपर विश्वास लाने के लिए प्रेरित कीजिए। अब मैं प्रसंग में आगे बढ़ता हूं कि महामती जी ने जो वहदत स्वरूपा ब्रह्मात्माओं के लिए आगे वर्णन किया और क्या कह रहे हैं कि हक इलम के जो आरिफ। प्रसंग है हक माशूक का मुख सागर मंगलाचरण। माशूक अर्थात जिससे प्रेम किया जाए। अगर कते परंपरा में कहें तो आशिक और माशूक कहा जाता है। संस्कृत निष्ठ शुद्ध हिंदी में कहें तो इसको प्रेमी और प्रेमास्पद कहा जाता है। अब कई सुंदर साथ को लग रहा होगा कि वाणी में तो राज जी को आशिक कहा है। खिलवत की वाणी क्या कहती है? आशिक मेरा नाम, रूह अल्लाह आशिक मेरा नाम। इसी तरह से असल अर्श के बीच में हक का नाम आशिक, तो कहीं उसको कहा जा रहा है आशिक और इस प्रकरण में क्या कहा, हक मासूक का मुख सागर। तो मूल रूप से वहदत की दृष्टि से देखा जाए तो उस अवस्था में आशिक और मासूक में कोई भेद नहीं है, सिर्फ अवस्था और परिस्थिति का भेद है। जब अक्षराती धामधनी श्री राज जी हमसे प्रेम निभा रहे हैं, और वो कब तक निभाएंगे? जब तक हमारी जागृति ना हो जाए ज्ञान दृष्टि से। ज्ञान दृष्टि से एक बार जागृत हो जाने के बाद में हमारा कर्तव्य है और साथ ही अधिकार भी। जैसे आज सुबह हमने वनिता माता जी के मुखारविंद से जो चर्चा सुनी सिंधी ग्रंथ की, उसमें उन्होंने क्या कहा कि राज्य के ऊपर, परमधाम के ऊपर हमारा अधिकार है। लेकिन मैं ये बात हर बार कहा करता हूं कि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे एक जो सिक्का होता है उसमें हेड और टेल दोनों होते हैं ना, इसी तरह से यदि हम अधिकार की बात करते हैं कि हमारा ये अधिकार है, ये हमें मिलना चाहिए, तो साथ में उसके साथ ही साथ कर्तव्य भी जुड़ा होता है कि यदि आपको वो चाहिए तो ऐसा करो, वो कर्तव्य है। अब जब हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे होते हैं, हमारा कर्तव्य क्या है राज्य के प्रति?
बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, क्या करना है? सिर्फ प्रेम करना है। लेकिन यही सबसे मुश्किल काम लगता है। और सबसे मुश्किल काम जागनी के ब्रह्मांड में क्यों लगता है? ब्रज के ब्रह्मांड में भी हमने प्रेम किया, ज्ञान नहीं था ना, प्रेम था लेकिन ज्ञान नहीं था। किससे प्रेम करें वो भी नहीं पता था। वाणी कहती है ब्रह्म सृष्टि होती ब्रज रास में, पर प्रेम हो तो लक्ष्य बिन। जागने के ब्रह्मांड में एक मुश्किल काम यह है कि ब्रज में जिससे प्रेम करे थे वो सामने था, तो ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान की आवश्यकता तो पहचान कराने के लिए होती है, वहां तो सामने ही बैठा है। रास के ब्रह्मांड में भी सामने ही है, जागनी के ब्रह्मांड में वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। कहता है कि मैं तुम्हारे दिल में हूं, अर्श तुम्हारा, कहता है कि मैं तुम्हारे दिल में हूं, लेकिन दिखता नहीं है, क्योंकि हम इन आंखों से देखना चाहते हैं। अच्छा, बंद आंख करके देखना चाहे तो अंधेरा दिखता है, उसके अलावा कुछ दिखता नहीं, तब लगता है कि समस्या बहुत बड़ी है। अब मुश्किल तो है, लेकिन कहते हैं ना कि खुदा एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। वो सिर्फ खिड़की नहीं खोलता, वो दरवाजा ही खोलता है कि कोई मुश्किल ना आए। तो अब उसने क्या किया कि एक काम और सरल कर दिया कि तुम्हें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें करना क्या है कि प्रेम तो है ही साथ में, लेकिन विश्वास लाना है, दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास कौन सा? कि वो हमारे दिल में है। इस बात के ऊपर जब हमें पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा और उसी विश्वास के साथ में हम पूर्ण प्रेम उसके प्रति करेंगे, तो उसके अलावा और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ना जप, ना तप, न किसी प्रकार का योगारम्भ, न और किसी प्रकार का कष्ट। दुनिया में बहुत सारी पूजा पद्धतियां हैं, बहुत सारी उपासना की विधियां हैं, योग की बहुत सारी पद्धतियां हैं, लेकिन उन सभी मुश्किल हालातों से हमें उठा दिया और उसने कहा कि बस एक शर्त है कि भले ही मैं दिखाई पड़ूं या ना पड़ूं, तुम्हें दृढ़ विश्वास लाना है। इस ब्रह्मवाणी में जो छवि बताई गई है उसके ऊपर विश्वास लाना है, महामती जी की बातों पर, उनके शब्दों पर विश्वास लाना है और उस स्वरूप के प्रति प्रेम लाना है। बस इतना ही करना है। तो ये हमारा कर्तव्य है इस जागनी के ब्रह्मांड में। जब जैसे ही हमने वो कर्तव्य पूरा किया तो वो अधिकार हमें भी मिल सकता है जो इंद्रावती जी ने लिया। कौन सा अधिकार? उन्होंने पूरे अधिकार से कहा खटरितु की वाणी में कि हवे जेम नचवू तेम नाचो मारा वाला। गुजरात के जो सुंदर साथ होंगे वो सरलता से समझ रहे होंगे, हिंदी भाषा में भी उसकी व्याख्या करूंगा। क्या कहा वाणी में? कि हवे जेम नचवू तेम नाचो मारा वाला, आव्या इंद्रावती ने हाथ, ते वशीकरण ने दोरिये बाधू, जेम देखे सहु साथ। खटरितु की वाणी में इंद्रावती जी कहती हैं कि वो अधिकार पूर्वक की राज जी, अब मैंने आपको अपने प्रेम रूपी वशीकरण में बांध लिया है, अब मैं आपको जैसे नचाना चाहूं आपको नाचना पड़ेगा। और किरंतन की वाणी क्या कहती है? अभी उसी प्रकरण में हमने स्वामी जी की चर्चा भी सुनी थी, उसमें कहती है कि जिहा हूं तिहा तमे आओ, कि मैं जहां हूं आपको वहां पे आना पड़ेगा। ये अधिकार है, लेकिन इस अधिकार की प्राप्ति के लिए इंद्रावती जी ने अपना कर्तव्य भी पूरा किया और कर्तव्य की पूर्ति में यहां तक किया कि कहते हैं जब आह सुखी अंग में श्वास भी छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मुहे अपनो अंग। यहां तक उन्होंने अपने कर्तव्य की पूर्ति की। तो जब हम अपने कर्तव्य की पूर्ति कर रहे हैं तो हम आशिक हैं, और जब हम अज्ञानता की अवस्था में हैं और राज्य हमसे प्रेम कर रहे हैं तो राज्य आशिक हैं, तब हम मासूक हैं। इस जागनी के ब्रह्मांड में कोई ऐसा प्रसंग है कि जिसमें ब्रह्म सृष्टि सामने से चल करके राज्य के पास गई हो कि मैंने आपको पहचान लिया है, आप हमें जागृत कर दीजिए, ऐसी कोई
अवस्था है। हर जगह पर श्री जी स्वयं पहुंचे, बीतक के प्रसंगों में अगर देखा जाए तो। छत्रसाल जी ने भी कहा, जानी के मूल धनी अंगना अपनी, सो घर आए हमारे। यहाँ भी प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से राज्य ही अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, हम नहीं निभा पा रहे हैं। इसलिए श्रृंगार से पहले तक राज्य को ही आशिक कहा गया, लेकिन श्रृंगार ग्रंथ की जब बात आई तो चूंकि ज्ञान दृष्टि से पहचान हो चुकी है और अब राज्य को दिल में बसा करके उनकी छवि को निहारा जा रहा है, तो ऐसी अवस्था में हम आशिक हो रहे हैं, राज्य मासुक हैं, तब कह रहे हैं कि हक मासुक का मुख सागर, राज्य के मुखारविंद का सागर। सागर क्यों कहा गया है? क्योंकि इस संसार में उदाहरण देना है, और उदाहरण कैसा देना है? संपूर्ण वाणी में राज्य के गुणों के विषय में जहां जहां भी वर्णन हुआ है, राज्य के गुणों में क्या क्या आ सकते हैं? आनंद, सौंदर्य, चैतन्य, प्रेम, दिव्यता, मनोहारिता, ये जितने भी गुण हैं, जहां जहां भी उन गुणों का वर्णन आया है, तो उन गुणों का वर्णन राज्य ने सुपरलेटिव डिग्री में किया है। महामती जी ने सुपरलेटिव डिग्री का मतलब उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, उससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता, उससे दिव्य, उससे तेजोमयी कुछ नहीं हो सकता, उससे गहरा भी कुछ नहीं हो सकता। अभी संसार में सबसे गहराई की बात करें तो बात किसकी आती है? सागर की। और इसीलिए राज्य के मुखारविंद का सागर कहा गया है कि वह सागर जिसमें ब्रह्मात्मा स्वयं को डुबोए, और जब डुबोए तो वो उसकी गहराई तक न पहुंच पाए, वह सागर है। क्योंकि एक बार अगर पहुंच गई तो फिर वो तो सीमित हो गया ना, उसका सौंदर्य अनंत है, अनंत सौंदर्य का वह सागर है। इसीलिए क्या कह रहे हैं? हक मासुक का मुख सागर। और उसका वर्णन करते करते महामती जी कहती हैं, हक इलम के जो आरिफ, आरिफ कहते हैं किसको? जानकार, जानने वाले, ज्ञानी। तो महामती जी कह रहे हैं कि हक इल्म, इल्म मतलब ज्ञान, राज्य के ज्ञान को जो समझने वाले लोग हैं। और यहां समझने का मतलब क्या है? ज्ञान को समझने वाले अलग अलग तरह के लोग होते हैं, समझने की अवस्था, पहचान की अवस्था अलग अलग होती है। आज से लगभग 16-17 वर्ष पहले जब मैं ज्ञानपीठ में नया नया ही आया था, तो वहां उस समय एक छोटी सी पुस्तिका आई थी कहीं बाहर से, उस पुस्तिका का नाम है अनमोल मोती। एक तो यहां पर भी उपलब्ध, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, और वो किसी प्रोफेसर ने लिखी है, मैं नाम नहीं जानता उन प्रोफेसर का, क्या कोई साहनी है, नाम उनका पता नहीं मुझे। वो प्रोफेसर रहे हैं लेकिन वाणी का उनको ज्ञान नहीं है। हाँ, चौपाइयों का अर्थ उन्होंने अपने शाब्दिक बल के आधार पर किया, अपने व्याकरण के आधार पर किया, अपने साहित्य के बल पर किया, लेकिन राज्य की वाणी को उस तरह से नहीं समझा जा सकता है। तो इल्म को समझने वाले, ज्ञान को समझने वाले भी अलग तरह, अलग अलग तरह के लोग होते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए, कबीर जी का नाम तो सभी ने सुना ही होगा। कबीर जी के विषय में कहा जाता है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। उन्होंने कभी हाथ में कलम मतलब लेखनी, पेन ग्रहण नहीं किया था, न कभी उन्होंने कागज छुआ, न कभी स्याही छुई, लेकिन फिर भी उनके द्वारा वह ज्ञान कहलवाया गया कि आज लोग उनके साहित्य पे पीएचडी करते हैं। डिग्री तो नहीं थी ना उनके पास। तो यहां इल्म ज्ञान का मतलब सिर्फ डिग्री से नहीं है, सिर्फ शब्द ज्ञान से नहीं है। यहां ज्ञान का तात्पर्य क्या है कि जैसे यहाँ लगभग 1000 लोगों की संख्या होगी, और बहुत सारे सुंदर साथ अभी ऑनलाइन फेसबुक लाइव के माध्यम से भी मुझे सुन रहे होंगे।
आपको यदि मैं पूछूं कि क्या आप मुझे जानते हैं, मुझे जानने वाले बहुत सारे लोग होंगे जो नाम से जानते होंगे कि हाँ, कहेंगे कि हाँ आप अशोक हैं। ये भी जानना ही हुआ, गलत पहचान तो नहीं है, लेकिन पहचान का स्तर कुछ अलग है। अच्छा, हजारों में से 100 लोग ऐसे होंगे जो मुझे थोड़ा और गहराई से जानते होंगे, मेरी पसंद नापसंद को जानते होंगे, है ना। लेकिन कोई विरला ही होगा, कोई विरला ऐसा होगा जो हो सकता है कि कभी मैं मुस्कुरा रहा हूं तब भी पूछे कि क्यों परेशान है, है ना। होता है ना, कोई ऐसा होता है आपके जीवन में। दुनिया क्या देखेगी कि ये बंदा मुस्कुरा रहा है, बहुत खिलखिला रहा है, खुश होगा। कोई एक या दो, एकाध कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये पूछेगा कि आप क्यों परेशान हो, मुस्कुराहट के पीछे का दर्द समझने वाले। तो पहचान का स्तर अलग अलग होता है, मैं ये सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, मैं परेशान नहीं। तो इसी तरह से वाणी के शब्दार्थ को बताने वाले लोग भी बहुत होंगे, इसकी व्याख्या करने वाले भी बहुत होंगे, लेकिन जो श्रृंगार की वास्तविकता है, खिलवत परिक्रमा सागर और श्रृंगार सिंधी मारिफत, इन अवस्थाओं का जो वर्णन है वही कर पाएगा जो इंद्रावती जी की अवस्था के सबसे करीब होगा। क्या कह रहे हैं, हक इलम के जो आरिफ है ना। तो यहाँ सच्चे आरिफ, सच्चे ज्ञानी कौन है, जिनकी अवस्था बनी है। एक होता है जानना, ठीक है, ज्ञान, और एक है विवेक। एक है ज्ञान, दूसरी है पहचान। आपने कभी आग के अंदर हाथ नहीं डाली है अगर चूल्हे में, लेकिन किसी व्यक्ति ने बता दिया कि आग में हाथ नहीं डालना चाहिए, जलन होती है, आपको जलन का पता ही नहीं। अब मैंने आपको सिखा दिया, आप दूसरे को भी सिखाओगे कि आग में हाथ डालने से जलन होती है, लेकिन ये सिर्फ शब्द ज्ञान हुआ, आपको पता ही नहीं कि वास्तविकता में जलना किसको कहते हैं। जलने में गुदगुदी होती है कि खुजली होती है कि ठंडक होती है, पता ही नहीं आपको। लेकिन एक बार यदि गलती से भी हाथ लग गया तो पता चलेगा ना। लेकिन आप फिर तीसरे व्यक्ति को बताओगे, तीसरा व्यक्ति फिर शब्द सुनेगा, उसको भी पता नहीं होगा। जब तक उसका खुद का हाथ नहीं जलेगा तब तक उसको भी उस अग्नि तत्व की पहचान नहीं होगी वास्तविकता की। इसी तरह से इंद्रावती जी ने वाणी में बता दिया, हमने सुना, हम सुनकर के आपको सुना रहे हैं, तो ये पूर्ण पहचान नहीं हुई। जब हम भी उस रास्ते पर चल करके जिस पर इंद्रावती जी चली हैं, जब उनके मुखारविंद को, हक मासूक के मुखारविंद को देखेंगे, निहारेंगे, तब हम पूर्ण रूप से जान पाएंगे। अभी हम सिर्फ ज्ञान दृष्टि से हैं। हाँ, चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इस ज्ञान पर पूर्ण विश्वास है। आगे क्या कह रहे हैं कि हक इलम के जो आरिफ मुख नूर जमाल खूबी चाहे। नूर जमाल अर्थात प्रियतम अक्षरातीत के मुखारविंद की खूबी, खूबी मतलब विशेषता, कि राज्य के मुखारविंद की विशेषता क्या है। और वो विशेषता ऐसा नहीं कि सिर्फ मुखारविंद की है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि वाणी में जहां भी राज्य के गुणों का वर्णन करेंगे तो वहां उस अंग का वर्णन, उस स्वरूप का, उस शोभा का वर्णन पूर्ण पराकाष्ठा के साथ किया जाएगा। जब हम सागर और श्रृंगार की वाणी पढ़ते हैं तो जैसे उदाहरण के लिए इंद्रावती जी क्या कहती हैं कि प्रियतम अक्षरातीत के चरण कमल के तली को मैं देख रही हूं। इसमें जो रेखाएं हैं, चरण की तली में जो रेखाएं हैं, चरण तली की जो गहराई है, उसकी सुंदरता में मैं इस तरह से डूबी कि इससे मैं निकल ही नहीं पा रही हूं।
इस तरह से उन्होंने वर्णन किया। अब जो व्यक्ति लौकिक बुद्धि से सोचेगा वो तुरंत तर्क करेगा कि यदि इससे निकल ही नहीं पा रही हैं, तो फिर चरण के बाद में टखने का वर्णन कैसे कर रही हैं, झांझरी घूंघरी काबी कड़ला इत्यादि का वर्णन कैसे कर रही हैं, पिंडली का घुटने का वर्णन कैसे कर रही हैं। यदि निकल ही नहीं पाई तो दूसरे अंगों का वर्णन हो ही नहीं सकता, लेकिन वर्णन करना भी आवश्यक है। राजी वर्णन करवा रहे हैं हम सब ब्रह्म सृष्टियों के लिए, अन्यथा इंद्रावती जी उस आनंद से बाहर निकलना नहीं चाहती हैं। तभी तो संपूर्ण ब्रह्मवाणी का अवतरण होने के बाद महामती जी की आत्मा अब उस स्वरूप में पूर्णतया डूबने के लिए गुम्मट जी में समाधि अवस्था में, हमें भी सिखापन लेनी है इससे। मैं बात कर रहा था नूर जमाल के खूबी की, उनकी विशेषता की। राज्य के किसी भी अंग की विशेषता की जब हम बात करते हैं तो प्रत्येक अंग में वैसे तो सारी विशेषताएं समाई हुई है। जब हम सागरों की भी बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि नूर सागर में दूसरे सागर की विशेषता नहीं होगी, सिर्फ नूर सागर की ही विशेषता होगी ऐसा नहीं है। इसी तरह से सभी सागरों की बात है। हाँ, यहां समझाने के लिए कुछ न कुछ तो उदाहरण देना ही पड़ेगा, कोई ना कोई तरीका तो अपनाना ही पड़ेगा जिससे वर्णन किया जा सके, जिससे समझा जा सके। केवल समझाने के लिए बिल्कुल सरल रूप में वर्णन किया गया है। तो राज्य की जो खूबी है, उनकी जो विशेषता है, विशेषता में सबसे पहली विशेषता लौकिक दृष्टि से समझे तो सौंदर्य। अच्छा, सौंदर्य की बात जब की गई तो सवाल उठता है कि सौंदर्य सुंदर क्यों दिखाया गया है। तो सबसे पहला उत्तर ही यही है कि हमारा जो जीव है, ध्यान किसको करना है, जीव को। समर्पण किसको करना है, ईमान किसको लाना है, जीव को। जीव किसके प्रति आकर्षित होता है, सौंदर्य के प्रति, है ना। कुरूपता के प्रति कभी भी जीव आकर्षित नहीं होता है सामान्य रूप से। और जो ब्रह्म अथर्ववेद में उस परमात्मा को स्वरूप कृत्नुम कहा है, स्वरूप कृत्नुम का अर्थ होता है सौंदर्य का निर्माता, जिसने सभी सौंदर्य का निर्माण कराया हो, तो ये राज्य की खूबी है। इस संसार में किसी के सौंदर्य को देख करके हम तुरंत आकर्षित हो जाते हैं। वह आकर्षण कैसा है कि एक दृष्टांत से मैं आपको समझाता हूं। एक बार एक राजा शिकार के लिए वन गया हुआ था। वहां एक साध्वी थी, ऋषि की कोई बालिका रही होगी। उसके शारीरिक सौंदर्य अर्थात बाह्य सुंदरता पर वह राजा मुग्ध हो गया। अब उसने कहा कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं, अभी देखा नहीं पहचाना नहीं है, लेकिन कहते हैं ना हिंदी साहित्य में कहावत कही जाती है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो उसने देखा, सुंदर लगी और कह दिया कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और तुमसे विवाह करके तुम्हें रानी बनाना चाहता हूं। अब वह साध्वी क्योंकि आध्यात्मिकता में ओतप्रोत थी, वह समझ गई कि ये तो प्रेम नहीं, यह आकर्षण है। अच्छा, परख लेती हूं कि प्रेम है कि आकर्षण है। उन्होंने राजा को कहा कि महाराज आप 15 दिन के बाद आइए, उसके बाद भी आपको लगे कि आप मुझसे प्रेम करते हैं वास्तव में, तो कोई बात नहीं, मैं आपसे विवाह भी कर लूंगी। लेकिन साध्वी को भरोसा है। अब 15 दिन बीता। अब इस 15 दिन की अवधि में क्या किया था साध्वी ने कि दस्त आने वाली जो दवाई होती है ना, लूज मोशन आने के लिए दवाई होती है, तो ऐसी दवाई उसने खा ली। अब उसको निरंतर दस्त हुए। अब सोचिए कि 10-15 दिन तक जिसको दस्त होंगे वो व्यक्ति कैसा होगा, सूख करके हड्डियों का ढांचा बन जाएगा, गाल अंदर धंसेंगे, आंखें अंदर धंस जाएंगी, डार्क सर्कल हो जाएगा। जब राजा आया 15 दिन के बाद में, तो उस कुटिया के सामने एक सहेली थी, उनकी सेविका समझ लीजिए। उन्होंने बोला कि क्योंकि वो तो आतुर थे,
सिर्फ एक आकर्षण था और उस शारीरिक आकर्षण में वो आतुर था राजा। उसने कहा कि वो साध्वी कहाँ है जिससे मैं प्रेम करता हूं। तो उस साध्वी ने कहा कि वो तो अंदर बैठी है। अंदर गए राजा। जब अंदर पहुंचा तो देखता है कि यहाँ तो एक कुरूप सी दिखने वाली कृशकाय स्त्री बैठी है। कृशकाय मतलब हड्डियों का ढांचा, स्केल्टन बोलते हैं ना, तो हड्डियों का ढांचा वाली कोई स्त्री बैठी है। उसने कहा कि नहीं, ये तो छल है मेरे साथ, ये तो किसी और को बैठा दिया है, मैं तो किसी और से प्रेम करता हूं। अंदर जाकर के झगड़ने लगे, कहने लगा कि वो कहाँ है। तो उसने इशारा किया, कम आवाज तो बहुत धीमी हो गई थी कमजोरी के कारण। साध्वी ने इशारा किया और कहा कि इनको ले जा करके दिखाओ कि ये जिससे प्रेम करते थे वो कहाँ है। तो वो जो सेविका थी, सेविका उस सम्राट को, उस राजा को कुटिया से थोड़ी दूर पर लेकर के गई। वहां पर दर्जनों छोटे छोटे गड्ढे खोदे गए थे और वो गड्ढे मल मूत्र से भरे हुए थे। आपको घिन आ रही होगी, सबके शरीर में वही है, है ना। हमारा शरीर भी मल मूत्र का एक ढांचा है। यदि हम भी कुछ वैसा ही करें तो हमारा शरीर भी वैसा ही दिखने लगेगा। अब राजा समझ गया कि यहाँ अपनी दाल नहीं गलने वाली है, अपनी बात नहीं बनने वाली है, वहां से चला गया। यदि प्रेम होता तो उस अवस्था में भी वो स्वीकार कर लेता, लेकिन वो सिर्फ आकर्षण था। सोचिए कि संसार के सौंदर्य पर कोई व्यक्ति इतना आकर्षित हो सकता है। अब आप कल्पना कीजिए, इस संसार में सबसे अधिक सौंदर्य की जब आप कल्पना करते हैं तो उससे करोड़ों गुना ज्यादा सौंदर्य, कहा जाता है कि स्वर्ग के देवी देवताओं का जो दिव्य शरीर होता है उनका सौंदर्य यहाँ के सबसे सुंदर व्यक्ति से करोड़ों गुना अधिक होता है। स्वर्ग के सौंदर्य से करोड़ों गुना अधिक सौंदर्य वैकुंठ में है और वैकुंठ से करोड़ों गुना ज्यादा सौंदर्य योग माया के ब्रह्मांड में है तथा योग माया से अनंत गुना, अनंत मतलब तो योग माया के ब्रह्मांड के सौंदर्य से अनंत गुना अधिक सौंदर्य परम धाम में है। तो अब आप कल्पना कीजिए कि राज जी कितने सुंदर होंगे। इसीलिए वह सौंदर्य राज जी की एक खूबी है। और राज जी की खूबी क्या है कि उस मुखारविंद में जितने भी अंग हैं, मतलब मुखारविंद का प्रत्येक हिस्सा ब्रह्म सृष्टियों को आनंदित करना चाहता है। जब हम नैनों की बात करते हैं तो क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि देखो नैना नूर जमाल जो रूहों पर संकुल। नैना किस पर संकुल है, प्रसन्न है, ब्रह्म सृष्टियों पर। जब हम रसना की बात करते हैं तो कहते हैं जाको नामय रसना होसी कैसी मीठी हक। प्रत्येक अंग का वर्णन करते हुए ये बताया गया कि राज जी हमेशा ब्रह्म सृष्टियों पर प्रेम लुटाने के लिए तैयार बैठे। तो ये भी राज्य की एक खूबी है कि वो हमेशा ब्रह्म सृष्टियों पर प्रेम लुटा रहे हैं। इन खूबियों की ही हम चर्चा करते जाएं तो भी पूरा समय निकल सकता है। समय का मतलब मैं इस 40 मिनट की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी उम्र फिर भी हम नहीं कर पाएंगे। सोचिए किस संसार में किसी गुरु के विषय में भी कोई व्यक्ति यहां तक लिख सकता है कि इस सात सागर के जल को स्याही बनाई जाए, जितने भी वनस्पतियां हैं उनको काट करके कलम बनाया जाए, लेखनी बनाया जाए, संपूर्ण धरती को कागज बनाया जाए और फिर हम लिखना शुरू करें तब भी हम गुरु के गुणों का बखान नहीं कर सकते, ऐसा संसार के लोग लिख सकते। सोचे कि वह अक्षरातीत धामधनी उसके गुणों का बयान यहाँ कैसे हो सकता है। लेकिन हाँ, हम ब्रह्म सृष्टियों को समझाना है तो अत्यंत अल्प मात्रा में वर्णन किया गया,
अन्यथा उसके गुण तो अनंत हैं। लेकिन इसको ऐसे ही समझना चाहिए जैसे आप जब स्कूल में पढ़ते होंगे, जियोग्राफी पढ़ते होंगे, तो आपने एटलस देखा होगा, है ना, वर्ल्ड एटलस। उसमें ना बहुत छोटे छोटे देश भी हैं, ठीक है, जैसे वेटिकन सिटी हो गया, ठीक है, जैसे फिनलैंड हो गया, मालदीव्स हो गया, ऐसे छोटे छोटे देश हैं। तो उसको क्या किया जाता है कि उनको ना मैग्नीफाई किया जाता है, एटलस के अंदर मैग्नीफाई करके बाहर की तरफ थोड़ा बड़े मात्रा में करके उसको समझाया जाता है ना। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए कि परम धाम के सिर्फ एक एक गुण की भी व्याख्या करते तो ऐसे अनेक ग्रंथ हो सकते थे, लेकिन हमें समझाने के लिए राज जी ने एक एक गुण को भी मैग्नीफाई करके बहुत अच्छी तरह से बताया है। और क्या कह रहे हैं कि जो भी ब्रह्म सृष्टि हक इलम के अर्थात इस ब्रह्मवाणी के जानकार होंगे वो हमेशा राज जी के मुखारविंद की खूबी को पाना चाहेंगे। मैं सिर्फ जानने की बात नहीं कर रहा हूं। और आगे कहते हैं कि चाहे चाहे फेर फेर चाहे देख देख उड़ावे अरवाहें। और वो इतना चाहते हैं उसको कि ब्रह्म सृष्टि ऐसा चाहती है कि हम इसको देखते देखते ही अपना तन छोड़ दें, इसके अलावा और कुछ ना सोचें और किसी बात का चिंतन ना हो, हमेशा इसमें डूबी रहे हैं। लेकिन चूंकि कालमाया का ब्रह्मांड है, प्रकृति की एक मर्यादा है कि हम हमेशा उसमें डूबे नहीं रह पाते, लेकिन इच्छा होती है। और आगे क्या कह रहे हैं, एक चौपाई हम सबको शायद याद है, जिनको याद है मन ही मन साथी में बोलना, अन्यथा भाव बहुत ध्यान से समझना। इंद्रावती जी कहती हैं खाते पीते उठते बैठते, कि कितना चाहती हैं, कब कब चाहती हैं, तो कह रहे हैं खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत दम न छोड़े माशूक को जाकी असल हक निस्वत। कि चाहे वो खाना खा रहे हैं, चाहे पी रहे हैं, चाहे सो रहे हैं, चाहे वो जागृत अवस्था में, हमेशा वो राज्यमय होती हैं। एक संभव है, नहीं संभव तो नहीं लगता है। हम तो क्या करते हैं कि सुबह अधिकतम मैक्सिमम में कह रहा हूं कि सुबह एक घंटा ध्यान कर लिया, शाम को एक घंटा ध्यान कर लिया, तो हमारे मन में ये शंका होना स्वाभाविक है कि सुबह और शाम के दो वक्त ध्यान कर लेने से हम 24 घंटे राज्यमय कैसे हो सकते हैं। तो इसको अगर समझना हो तो एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि अभी लाइट गई थी ना थोड़ी देर पहले, तो लगभग 30-40 सेकंड का समय हुआ होगा, 30 सेकंड का समय मान लें। जब लाइट गई तब भी 30 सेकंड तक ये पंखा घूम रहा था, है ना, कैसे, क्योंकि पहले वो बिजली के साथ कनेक्शन में था। सोचिए कि एक जड़ विद्युत के साथ में कनेक्शन होने से बिजली जाने के बाद भी ये जड़ पंखा उस गति से घूमता रह सकता है, तो जब हम चेतन प्रियतम अक्षरातीत के कनेक्शन में दिन में सुबह एक बार भी आएंगे तो उस ऊर्जा में, क्योंकि वह ऊर्जा तो चेतन है, वह ऊर्जा हमारे अंदर पूरे दिन बनी रहेगी, और शाम को जब हम उसे सोने से पहले एक बार अपने हृदय में बसाएंगे तो वही आनंद वही ऊर्जा पूरे रात भी बनी रहेगी। यदि स्वप्न भी आएंगे तो राज्यमय ही आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि राज्य ही सपने में आएंगे, लेकिन कई बार ये हो सकता है कि आपके जो सद्गुरु हैं वो राज्य का जो आवेश है वो आपके सद्गुरु के रूप में आए, विभिन्न परम हंसों के रूप में आए, ब्रह्म सृष्टियों के रूप में आए, या ये भी हो सकता है कि राज्य आपको अपने स्वरूप में भी स्वप्न में दर्शन दे, और ये भी हो सकता है कि आपकी अवस्था ऐसी बने जैसी अवस्था बीतक में पन्ना धाम में 10 वर्षों के अंदर उन ब्रह्म मुनियों की थी, कि खाने पीने की शुद्ध नहीं है, सेवा में चितवनी में वाणी में मन लगा हुआ है, प्रकृति की मर्यादा से ऊपर उठ चुके हैं, आपको प्रकृति की मर्यादा किसी भी तरह से बाधित नहीं कर पा रही है, लेकिन हाँ उस अवस्था तक पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं से तो हमें शुरुआत करनी ही पड़ेगी। और वह शुरुआत करने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है, अभी। किसी महापुरुष ने कहा कि किसी भी शुभ कार्य को शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त है अब। इसलिए तो किसी महापुरुष ने कहा कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएसी बहरी करोगे कब,
कि कोई भी शुभ कार्य करने के लिए यदि हम ये सोचते हैं कि नहीं नहीं ये काम हम कल करेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, तो आत्म जागृति के लिए जो जो भी चीजें आवश्यक है, जिन जिन गुणों का ग्रहण करना आवश्यक है, उन गुणों को हम आज और अभी से ग्रहण करने का प्रयास करें।